हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, आज से आप लोग का करेक्ट 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज आपको इस लास्ट के 50 दिन में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं मेनली आपको इस वीडियो में मुख्य रूप से तीन काम आपको फॉलो करने के लिए कहूँगा। अगर दोस्तों यही तीन काम अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तथा वैसे स्टूडेंट्स जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है तथा वैसे भी स्टूडेंट्स जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो आपको काम करना है ये है आपका प्रीवियस ईयर दोस्तों आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उस सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। वो आप दोस्तों कोई भी बुक आप ले सकते हैं, बहुत सारे बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, उस बुक से दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का जो जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको कम से कम एक बार पढ़ के जाना है। ये वो स्टूडेंट्स भी काम करें जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो भी स्टूडेंट्स इनको पूरा करके जाए, और जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है अर्थात जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, अगर इतना ही अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं ना तो आप 60+ मार्क्स आप इजी वे से ला पाएंगे। तो दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी का एग्जाम वो है उसको कवर कर लेना। अगर आपके पास समय है तो दोस्तों जो NTPC का जो एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं तथा उस टाइप का क्वेश्चन, देखिए आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन एक ही तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है, बट आपको डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम और NTPC का जो एग्जाम हुआ है, अगर आपके पास समय है तो दोस्तों आप ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है तथा RPF का एग्जाम हुआ है तो वो क्वेश्चन को भी आप करके जाएंगे तो दोस्तों बेहतरीन होगा। उसके बाद अगर आपके पास और समय बचता है तो जो इस बार जो NTPC का एग्जाम हुआ है 2021 में, तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अब दूसरा जो बात पॉइंट है ये पॉइंट है दोस्तों ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपसे लगाना चालू कर देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कम से कम दोस्तों आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। हर वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगा कर जाना है। जैसे आपका 50 दिन का समय है तो दोस्तों आप अगर 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर हर वीक में लगाते हैं तो 15 से 20 मॉक टेस्ट आप अगर लगा लेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों सफिशियंट है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद दोस्तों आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा तरीका से करना है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो उसको नोट्स कर लीजिए, और नहीं तो दोस्तों उसका एक्सप्लेनेशन करते वक्त दोस्तों आपको जैसे आपको लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को बार बार गलत करते हैं तो उसको आप कोई नोट्स में उतार लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देंगे तो दोस्तों आपका फर्स्ट वीक से ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो दोस्तों आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए, सप्ताह में 6 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। रेगुलर मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि आपको मैं इस बात को हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि मॉक टेस्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में भी दोस्तों जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है गलत, माने जिस क्वेश्चन में आप बार बार गलती करते हैं उसको आप नोट्स कर लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि जिस क्वेश्चन को आप बार बार गलती करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर लेंगे तो आपका उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जब एग्जामिनेशन जब नज़दीक आएगा तो आपको 2 से 3 ऐसे मॉक टेस्ट लगाना जो सिस्टम पर जाकर लगाना है, ताकि आपको दोस्तों एग्जाम हॉल जैसा आपको माहौल बना रहे, ताकि देखिए एग्जाम हॉल में अगर आप माउस उस नहीं चलाए रहेंगे ना तो आपको मन थोड़ा था ना टाइम आपको वहाँ पर लैप्स होगा, वैसे कुछ दिक्कत होता नहीं है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सिस्टम से लगा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। एक बात और आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों साइंस के लिए बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं कि साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए दोस्तों, साइंस के लिए आप जो बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसी नोट्स को पढ़ते रहिए, उसी को रिविजन कीजिए। आपको न्यू बुक नहीं लेना है साइंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साइंस का ही बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि भैया साइंस का प्रिपरेशन कैसे करते। देखिए दोस्तों, साइंस के लिए आपको न्यू बुक अब नहीं लेना है, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं जिस नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, आपका अच्छा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा बात है ये है आपका करंट अफेयर्स। दोस्तों बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है करंट अफेयर्स कब का करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स तो 18 है, ये फिक्स नहीं है कि आप जो पढ़ कर जाएंगे वही आप बना कर आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप जैसे 2021 जो खत्म हुआ है, 2021 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ कर जाना है, और वो भी जरा बुक आपको नहीं लेना है, जो बुक से आपको समझ में आ रहा है उसी बुक को फॉलो कीजिए। SPD बुक अगर ले लेते हैं, SPD का बुक दोस्तों बहुत अच्छा करंट अफेयर्स रहता है, अगर उतना ही अगर कवर कर लेते हैं तो दोस्तों जो 8 से 10 आपका करंट अफेयर्स पूछेगा उसमें से 5 से 8 करंट अफेयर्स आप आसानी से बना कर लाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप SPD का बुक पढ़ लीजिए, और जैसे ये जनवरी फरवरी है 2022 का, 2022 का दोस्तों जो जनवरी फरवरी 2 मंथ हो जाता है, इस दोनों मंथ का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएँ। 2022 का आपको जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स और 2021 का पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। अगर दोस्तों अगर इतना ही पढ़ के जाएंगे तो आप 5 से 8
करंट अफेयर दोस्तों आसानी से बना कर लाएंगे। उसमें भी दोस्तों करंट अफेयर्स में भी पढ़ने का टेक्निक होता है, जो इंपोर्टेंट चीज़ें हैं इंपोर्टेंट विंडो उस सबको पढ़ कर जाइए, बस उतना ही से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है इतना ही। आपको बस सबको यही स्ट्रेटजी होना चाहिए। और आपको दोस्तों न्यू बुक आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिविजन कीजिए, नया चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जितना नया चीज़ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको दोस्तों कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा, इसलिए दोस्तों न्यू चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिविजन कीजिए। और जैसे जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम बार बार गलती करते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसका रिविजन करते रहिए। बस आपका दोस्तों यही जो लास्ट का 50 दिन का स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कीजिए और टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आते जा रहा है, स्टूडेंट्स का घबराहट बढ़ते जा रहा है, दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरी नहीं है, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए और टेंशन ज़्यादा लेने की कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, धन्यवाद।